डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल का रूल्स पढ़ने वाले हैं। कई बार आपका आर्टिकल यूज करने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यह आर्टिकल्स बहुत ही इजी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूँ, उस टेक्निक के माध्यम से आपका आर्टिकल्स का कंफ्यूजन कभी भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको लाइव क्लासरूम में लेके चलता हूँ। 5 या 10 मिनट तक हमने हमारे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया है यह आप देख सकते हो। देन आफ्टर मैं आपको एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूँ, उस टेक्निक के माध्यम से आप अ एंड द यह आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से सीखने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से विनती करता हूं, अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज 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 आपको यह वीडियो शेयर करना है। और अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर यह प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है, और हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है। इसी प्रकार दोस्तों, हमने 5 दिन तक लाइव क्लासरूम की सीरीज हमारे चैनल पे दी है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है, और आपको हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज तथा सीक्वेंस वाइज ही देखना है। तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, लेकिन ऐसा मत बोलो आई एम अ रिच। सिंपल रूल है आर्टिकल का, आई एम अ टीचर इसका मतलब मैं एक टीचर हूं। आर्टिकल का जो रूल है मैंने आपको बुक में दिया है, मैंने आपको जो बुक प्रोवाइड किया, लेकिन एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूं, आपके समझ में नहीं आता है तो देखो, अ इसका मीनिंग है एक, अ मींस वन, आई एम अ टीचर मैं एक अध्यापक हूं। लेकिन आपको किसी भी चीज को अगर अ लगाना है तो मैं आपको एक रूल बताता हूं, वो ऐसे, आपको जिस चीज को अ लगाना है वो चीज एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो एक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, अ के बाद एक ही चीज चाहिए। आई एम अ टीचर्स मत बोलो, जैसे इट इज अ चॉक, यह एक चॉक है, एक चॉक अ। सो अ को इनडेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, प्लीज गिव मी अ पेन, यस नाउ शी हैज गिवन मी अ पेन। अभी मुझे पता था क्या मुझे ऐसा ही पेन मिलने वाला है, मैंने सिंपली बोला कि प्लीज गिव मी अ पेन, ऐसा ही पेन, जेल वाला पेन मुझे मिलना था, ये मुझे पता था क्या? नहीं, इसलिए मैंने उसको बोला प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। वो अनिश्चित था, वो इनडेफिनेट था, इसको बोलते अनिश्चित। अनिश्चित मतलब वो इनडेफिनेट रहता है। देयर इज अ स्कूल, वहां पे एक स्कूल है, कौन सा भी एक स्कूल है। तो जिस चीज को आप लगाते हो उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, वो अनिश्चित रहती है, उसके बाद वो सामान्य नाम रहती है। सामान्य नाम इसका मतलब ऐसा, आप जिसका बहुवचन या अनेकवचन कर सकते हो उसे बोलते हैं सामान्य नाम। ये चौक है, दिस इज अ चौक, इस चौक के जैसे मैं हजारों नहीं करोड़ों में चौक तैयार कर सकता हूं, बना सकता हूं, इसलिए यह कॉमन नाउन है। इस पृथ्वी पे आपको जो भी चीज दिखती है वो कॉमन नाउन है, सिर्फ एक ही रूल है, उसका अनेकवचन आपको नहीं करना आना चाहिए, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। यह जो बुक है, यह स्ट्रक्चर का बुक है, मैं सेम बुक्स में ऐसे बहुत बना सकता हूं, तो वो कॉमन नाउन है। क्या नाम है आपका? शुभम, स्टैंड अप। ये शुभम क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? नहीं है वो शुभम, कॉमन नाउन नहीं है, सिट डाउन। ये शुभम नाम के बहुत लड़के हैं, बहुत सारे लड़के इस पृथ्वी पे, इस संगम नगर में, इस पुणे में, बंबई में, बहुत सारे लड़के, लेकिन इसके जैसा कलर, इसके जैसा ब्लड ग्रुप, इसके जैसे हेयर, उसके जैसी स्टाइल, जेनेटिक कैरेक्टर रहने वाला पूरे ब्रह्मांड में, संगम नगर में नहीं, पुणे में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही शुभम है। इसलिए उसको अ मत लगाओ, ही इज अ शुभम मत बोलो, ओनली ही शुभम बोलो, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होगा है। जग में एक ही है, आप उसके अनेक शुभम नहीं बना सकते हो, आप उसकी कॉपीज नहीं बना सकते हो, इसलिए उसको अ मत लगाओ। अगर आपको अ बोलने का है तो उसके आगे की जो चीज है उसका प्रोनाउंसिएशन वो कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, हम उसे बोलते व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जैसे पी, जब आप पी बोलते हो तो आप दोनों आपके होठ एक दूसरे पे चिपकाते हो, पी, बिना होठ चिपका के आप पी नहीं बोल सकते हो, मुझे बोल के दिखाओ और पी बोलो और 1 करोड़ 1 रुपए मेरे से लेके जाओ। तो पी क्या है? व्यंजन है। टी बोलने का है तो आपकी जो टंग है वो ऊपर मत लगा के टी बोल के दिखाओ, इसलिए नहीं बोल सकते आप, इसलिए वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और जो वोवल्स रहते तो वोवल्स आपका जो स्वर है वो कंठ से आता है, इस गले में से आता है, ए ई आर ओ यू, आप कहां पे कुछ भी हलचल नहीं करते। लेकिन आपको यम भी बोलने का है तो यम, टी, पी, एस,
यस बोलने का है तो आपकी टंग आपको ऊपर लेनी पड़ती है और आपको हवा फेंकनी पड़ती है, तो वो कॉन्सोनेंट है। यस सब एक ही रूल है इस जग में। वैसे नाउन तो बहुत है, मटेरियल नाउन है, पदार्थक वाचक नाम बोलते हैं मटेरियल नाउन। पेट्रोल ये पदार्थ है, मटेरियल है, वाटर पेट्रोल है, उसका अनेक वचन नहीं हो सकता है। एक ही बात याद रखने की, जिसको आपको अ लगाना है उसके आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, वो कॉमन नाउन रहनी चाहिए, वो अनिश्चित होनी चाहिए और उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से मतलब व्यंजन से शुरू होनी चाहिए, तभी उसको अ लगाओ। अगर मुझे बोलने का है इट इज इंक बॉटल, इट इज इंक, इट इज इंक इन, ये जो आए तो आई, तो आई आई क्या है, वॉल है, इट इज एन इंक बॉटल बोलो तो अ नहीं लगेगा। इन द सेम वे मैंने आपको एक कॉमन रूल बताया, आपको किसी भी चीज को अ लगाना है। आई एम टीचर मत बोलो, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, पृथ्वी में एक अध्यापक है, मैं शिक्षक है, अच्छे शिक्षक खूब है। देयर इज अ बॉय, वहां पे एक लड़का है, बॉय का अनेकवचन कर सकते हो, बॉयज कर सकते हो आप। सपोज ये राम है, अगर मुझे इसको अ लगाना है तो मैं बोलूंगा आई एम राम और आई एम अ राम। अगर मुझे इसको अ लगाना है, देखो मैं अ लगा सकता हूं, इसमें से एक भी रूल अगर नहीं बनता है तो अ मत लगाओ। सिंपल रूल है, राम एक वचन लगता है, ठीक है एक ही, लेकिन राम अनिश्चित है, देर इज राम हो सकता है, हो सकता है एक राम है, हो सकता है, लेकिन राम एक कॉमन नाउन नहीं है। देर इज राम, उस राम के बारे में बोल रहा हूं, देर इज शुभम, मैं उस शुभम के बारे में बोलता हूं, वो कॉमन नहीं है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसको अ मत लगाओ। इन द सेम वे पेन, देखो पेन मुझे अ लगाना है, लगाना है एक वचन है, देर इज अ पेन, एक पेन हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, हो सकता है, सामान्य नाम पेन, इसका अनेकवचन मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, वेरी सिंपल। और पी, पी जब मैं बोलता हूं तब मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं दो होठ क्या करता हूं मेरे चिपकाता हूं तभी, इसलिए मैं अ लगा सकता हूं। लेकिन अगर यहां पे पेंस है तो इसको मैं अ नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि अ के बाद पेंस एक नहीं है, अनेकवचन है, अनेकवचन को नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा रूल यहां पे बिगड़ता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम डोंकी नहीं, आई एम अ डोंकी। आई एम बॉय नहीं, आई एम अ बॉय, अ के बाद बॉय एक ही है। इसी प्रकार दोस्तों हमने लाइव क्लासरूम के जरिए यह रूल पढ़ा है, लेकिन यह रूल शॉर्ट है, हमें और भी आगे पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। क्या आपको पता है अंग्रेजी में दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा प्रकार होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट इट मीन शॉर्ट, अनिश्चित आर्टिकल, अनिश्चित उपपद, इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो अ और एन, यह इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों है, क्योंकि अ और एन का मतलब होता है एक। मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, आई एम अ टीचर, तो अ क्या है, अ इट मींस वन, एन इट मींस वन, यह आपको ध्यान में रखना है, अ इट मींस वन, एन इट मींस वन। लेकिन जिस किसी चीज को हम अ और एन लगाते हैं उसके आगे की चीज एक की होनी चाहिए, देन आफ्टर वो अनिश्चित होनी चाहिए। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, अनिश्चित इट मींस व्हाट। मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, आई एम अ टीचर, देखो मैं एक टीचर हूं, इट मींस इस जग में तो बहुत सारे टीचर्स है लेकिन उनमें से मैं एक हूं लेकिन अनिश्चित हूं। देयर इज अ बॉय, वहां पे एक लड़का है, देखो लड़के तो कई सारे होते हैं लेकिन जब मैं बोलता हूं वहां पे एक लड़का है, एक ही लड़का है लेकिन वह अनिश्चित है, उसके बारे में मुझे बोलना है। अगर उसके बारे में मैं और ज्यादा बोलता हूं तो मैं द आर्टिकल का यूज कर सकता हूं, वह हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अनिश्चित क्या होता है यह आपको समझ लेना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको जिस किसी चीज को अ लगाना है उसके आगे की चीज कॉमन नाउन होनी चाहिए, कॉमन नाउन इट मीन सामान्य नाम। देखो मैंने आपको कॉमन नाउन का एक रूल पढ़ाया है, इस जग में आपको जो कुछ भी दिखता है उसे कॉमन नाउन कंसीडर करो, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है, उसका आपको अनेकवचन करना आना चाहिए तभी आप उसे कॉमन नाउन बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चॉक है, इस चॉक जैसे मैं कई सारे चॉक्स बना सकता हूं, इसलिए यह चॉक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मुझे वहां पे पानी दिखता है तो क्या वो कॉमन हो सकता है, एक पानी के मैं अनेक पानी बना सकता हूं क्या, तो वो मटेरियल नाउन होता है। तो सिंपल रूल है, आपको कॉमन नाउन कैसे कंसीडर करना है, आपको सिर्फ अनेकवचन करना आना चाहिए, आपको यहां पे बहुवचन नहीं करना है या अनेकवचन नहीं करना है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो कॉमन नाउन है या नहीं है, तो ये सिंपल रूल है। और जिस किसी चीज को आपको अ लगाना है उसके आगे की चीज या नाउन उसकी शुरुआत
वॉवल से होनी चाहिए या कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से ही होनी चाहिए और हमने लाइव क्लासरूम में यह पढ़ा है। ए ई आई ओ यू यह कॉमन रूल हमने पढ़ा है, यह स्वर है वॉवल से, क्योंकि इनके उच्चार हम कंठ से करते हैं। देखो यहां में मैंने कुछ अल्फाबेट्स को राउंड किया है, वो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, वो वॉवल से ए ई आई ओ यू, लेकिन उनको छोड़ के आप बी की तरफ देखो, सी की तरफ देखो, डी देखो, जब मैं डी बोलता हूं तो यह उच्चार कंठ से नहीं आता है, तो मुझे मेरी टंग ऊपर लेनी पड़ती है डी, तभी मैं डी का प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूं। यह रूल बड़ा है लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है। तो सिंपल टेक्निक है, जिस किसी चीज को मुझे अ लगाना है उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, देन आफ्टर वो अनिश्चित होनी चाहिए, देन आफ्टर वो कॉमन नाउन होनी चाहिए, इसी प्रकार उस चीज की या नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको चेक करना है हम उसे अ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। कंसीडर करो मैंने मोबाइल को लिया और मैं यहां पे मोबाइल लेता हूं, देखो मुझे इसको अ लगाना है या नहीं लगाना है, मैं कैसे कंसीडर करूंगा। अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, एक ही मोबाइल है, ठीक है, एक क्राइटेरिया बनता है। देन आफ्टर मोबाइल अनिश्चित हो सकता है क्या, हो सकता है, देयर इज अ मोबाइल, वहां पे एक मोबाइल है, कई सारे मोबाइल से उनमें से एक मोबाइल है तो वो अनिश्चित हो सकता है। इसी प्रकार मोबाइल कॉमन नाउन हो सकता है क्या, मेरे पास एक मोबाइल है उसके जैसे ही एज इट इज मैं कई सारे मोबाइल्स बना सकता हूँ, इसलिए मोबाइल कॉमन नाउन है, इसका बहुवचन मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुवचन करना नहीं है लेकिन मुझे चेक करना है वो कॉमन नाउन है या नहीं है। और इसी प्रकार इसकी शुरुआत एम से होती है, क्या यम यह कॉन्सनेंट है या वोवल है, तो जब हम यम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मुझे कैसे बोलना पड़ता है यम, तो मेरे दोनों होठ मुझे चिपकाने ही पड़ते हैं, इसलिए वो कॉन्सनेंट है, इसलिए आप उसे अ लगा सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना है इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया नहीं बनता है तो आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। कंसिडर करो मैंने यहाँ पे मोबाइल्स लिखा, इसे मुझे अ लगाना है या नहीं लगाना है, मैं कैसे कंसिडर करूंगा। अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, एक मोबाइल है लेकिन यहाँ पे तो मोबाइल से, इसीलिए मैं इसे अ नहीं लगा सकता हूं, तो हमारा रूल बिगड़ता है, तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों कंसिडर करो वाटर, इसे अ लगाना है या नहीं लगाना है, मैं कैसे कंसिडर करूंगा। आपको लगेगा वाटर एक वचन है, चलो वाटर एक वचन नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कंसिडर किया अनिश्चित, वाटर अनिश्चित हो सकता है क्या, ठीक है आपने कंसिडर किया तो हो सकता है, लेकिन वाटर यह कॉमन नाउन नहीं है, हमने लाइव क्लासरूम में पढ़ा है और इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है डब्ल्यू से, लेकिन हमारे यहाँ पे कई सारे रूल्स बिगड़ते हैं, इसलिए वाटर कॉमन नाउन नहीं है, इसलिए आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलना है देयर इज अ वाटर, क्योंकि वाटर यह मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पेंस, एक पेन नहीं है, अनेक पेन से, और हमारा रूल क्या कहता है, अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, हमारा रूल बिगड़ता है, आप उसे अ नहीं लगा सकते हो, आप अ पेंस ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों देखो यहां पे टीचर्स है, अगर मैं यहां पे टीचर्स लिखता हूं तो क्या आप उसे अ लगा सकते हो। सिंपल रूल है अ के आगे की चीज एक ही होनी चाहिए, अगर एक नहीं है तो आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। लेकिन जैसे आप नीचे नीचे आते हो अनिश्चित, अनेक टीचर्स अनिश्चित हो सकते हैं क्या, ठीक है अनिश्चित हो सकते हैं, ऐसा आपने कंसीडर भी किया, लेकिन टीचर से कॉमन नाउन भी हो सकता है और इस कॉमन नाउन की शुरुआत टी से होती है, लेकिन हमारा रूल यहाँ पे बिगड़ता है, टीचर्स एक वचन नहीं है वह बहुवचन है, इसलिए आप उसे अ नहीं लगा सकते हो। कितना सिंपल रूल है, देखो आपको यह कोई पढ़ाता नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सन, आपको लगेगा सन एक वचन है, ठीक है अगर आपने कंसिडर किया तो, आगे आगे चलते हैं अनिश्चित हो सकता है। आप बोलेंगे सर ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे सूरज है, ठीक है कंसिडर करेंगे, लेकिन हमारे पृथ्वी को सिर्फ एक ही सूरज है, एक ही सन है, अगर चार पांच दस सूरज होते तो वो कॉमन नाउन होता। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अमिताभ, अमिताभ कौन है, चलो कंसिडर करते हैं एक्टर है, उसे हम अ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आप बोलोगे सब अमिताभ एक वचन है, ठीक है एक वचन है,
अनिश्चित है, ऐसे कई सारे अमिताभ है, अनिश्चित, ठीक है आपने कंसिडर किया तो हो सकता है, लेकिन अमिताभ, मैं जिस अमिताभ की बात कर रहा हूँ वो अमिताभ बच्चन इस जग में एक ही है, उस अमिताभ जैसे आप कई सारे अमिताभ नहीं बना सकते हो। तो अमिताभ यह कॉमन नाउन नहीं है, यह प्रॉपर नाउन है। तो सिंपली यही रूल है, कॉमन नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन को आप अ नहीं लगा सकते हो, कितना सिंपल रूल है। इसी प्रकार दोस्तों आपको जिस किसी चीज को एन लगाना है उसके आगे की चीज भी सिंगुलर होनी चाहिए, आपको फर्क देखना है, देन आफ्टर वो इंडिफिनिट होनी चाहिए, देन आफ्टर वो कॉमन नाउन होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे एक डिफरेंस है, जिस किसी चीज को आप अ लगाते हो उस चीज की या नाम की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और यहाँ पे वॉवल से होती है। अगर मैं यहाँ पे अम्ब्रेला लिखता हूँ तो अम्ब्रेला एक वचन है, वेरी सिंपल, अनिश्चित हो सकती है, कॉमन नाउन हो सकती है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से होता है, इसलिए मैं एन अम्ब्रेला बोल सकता हूँ, देयर इज एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर मैं अम्ब्रेलाज बोलता हूँ तो हमारा रूल बिगड़ता है, अनेक वचन से पहले आप एन नहीं लगा सकते हो। इसी प्रकार एंट, हम बोल सकते हैं एन एंट, क्योंकि एंट एक वचन है, अनिश्चित एंट हो सकती है, कॉमन नाउन है, और एंट जब बोलते हैं तो अ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे कंठ से आता है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, एलिफंट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, एन एलिफंट में बोल सकता हूँ, क्योंकि एलिफंट एक वचन हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, जग में ऐसे कई सारे हाथी है, सामान्य नाम है, लेकिन एलिफंट की जो शुरुआत है वो ई से होती है और वो होवल है, इसलिए मैं एन एलिफेंट बोल सकता हूँ, लेकिन एलिफेंट्स है तो मैं एन नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अनेक वचन से पहले हम एन नहीं लगा सकते, क्योंकि अ इसका मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। लेकिन ऐसे कई सारे वर्ड्स है, देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूँ तो मैं उसे एन नहीं लगा सकता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो यू से होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेलिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन यू से करता हूँ, इट मीन्स वाई यू से करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो अम्ब्रेला से होता है। अगर यू का आप प्रोनाउंसिएशन अम जैसा करते हो तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का करके देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अनिवर्सिटी ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो आपको यू कंसिडर करना पड़ता है। स्पेलिंग आपको दिखेगा ऐसा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो यू कंसिडर करते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स है, अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ ऑनेस्ट, तो जब मैं यहाँ पे ऑनेस्ट लिखता हूँ आप इसे एन नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे एच आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑनेस्ट है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं हॉनेस्ट। लेकिन अगर मुझे बोलना है ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम ओ से शुरू करते हैं और यहाँ पे हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। कितना सिंपल रूल है दोस्तों, ऐसे कई सारे वर्ड्स है आपको बुक्स में देखने हैं, सिंपली आपको एक ही रूल पता होना चाहिए, जिस किसी चीज को आपको अ और एन लगाना है उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, इंडिफिनिट होनी चाहिए, कॉमन नाउन होनी चाहिए, और डिफरेंस आप देख सकते हो। तो इसके आगे हम द यह आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो यह थ्योरी का पार्ट है, लेकिन अगर आपको हमारा पूरा 60-90 डेज का कोर्स ऐप वर्जन से परचेस करना है तो वो बिल्कुल ही कम कीमत में आप परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद हम आपको 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हमने इस वीडियो के बाद तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तो दोस्तों हमारा हर कोई वीडियो आपको डे वाइज एंड सिक्वेंस वाइज देखना है, इसके आगे हम द यह आर्टिकल कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में सोचने वाले हैं। हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे। यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। देयर आर टोटल चैप्टर्स। अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो, उससे बार बार देख सकते हो। और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो।
हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं।